गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चंस। तो एक्सरसाइज 1.4 में लास्ट क्वेश्चन जो था हमारे पास हुआ था फिफ्थ क्वेश्चन का। फाइव क्वेश्चन तो हो गए, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, आपको सेट दिया हुआ सेट एन। एन इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड स्टार इज ए बाइनरी ऑप्शन इज डिफाइंड एज ए स्टार बी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी। ए स्टार बी में जो ऑपरेशन है बाइनरी वो कैसे है, एलसीएम ऑफ ए एंड बी और बी का एलसीएम। अब आपसे कुछ चीजें पूछी गई है वो किस तरीके से है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपने पास वो है 5 star 7, एक ये 5 निकलता है। तो और एक है आपके पास 20 star 16। तो ये एक एक करके फाइंड करते जाते हैं। सबसे पहले फर्स्ट बात ये हमने क्या निकालना है, 5 star 7। तो भी 5 star 7 ए स्टार बी क्या होता है, एलसीएम ऑफ ए एंड बी। 5 star 7 इज एलसीएम ऑफ 5 and 7। 5 और 7 का एलसीएम कितना होता है, 35। ठीक है। सेकंड आपसे पूछा गया है 20 star 16, दैट मीन्स एलसीएम ऑफ 20 and 16। अब 20 और 60 का एलसीएम क्या होगा, होगा आपके पास 80। आप इस फॉर्म में भी निकाल सकते हो एलसीएम, 2 10 20 2 8 16, 2 5 10, 2 4 8 एंड 2 2 4, 2 2 और ये जाएगा 5 5। तो भी आपके पास कितना हो गया, 2 2 4 4 2 8 2 16 16 5 80। एलसीएम कितना आ जाएगा दोनों का, 80। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो था भाई ये क्या 5 स्टार 7 की वैल्यू फाइंड करनी थी, 20 स्टार 16। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो है पूछा गया है इज स्टार कम्यूटेटिव। सेकंड है अपने पास इज स्टार कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव की बात आती है, कम्यूटेटिव के लिए आपको क्या फाइंड करना होता है, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। सो ए स्टार बी इक्वल टू क्या होता है भाई, एलसीएम ऑफ ए एंड, अच्छा भाई बताओ एलसीएम ए और बी का एलसीएम निकालो, तो बी और ए का एलसीएम सेम ही तो है। आप इसे लिख सकते हो एलसीएम ऑफ बी एंड ए, एक ही बात है। अच्छा एलसीएम ऑफ बी एंड ए को क्या बोलोगे, बी स्टार दैट इज ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्टार फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ ए बी बिलोंग्स टू सेट। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल भी देने के साथ साथ क्या, लेट ए इज इक्वल टू 2 ले लो क्योंकि क्या है नेचुरल नंबर है, एंड बी इज इक्वल टू 3 ले लो जो भी क्या है नेचुरल नंबर है। अब ए स्टार बी फाइंड करो आप, दैट मीन्स 2 स्टार 3 क्या होगा, एलसीएम ऑफ 2 and 3, और 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है 6। अब आप बी स्टार ए फाइंड करो, बी स्टार ए का मतलब 3 स्टार, एलसीएम ऑफ 3 and, वही बात 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा 6, दोनों क्या है इक्वल है। ए स्टार बी इज इक्वल टू होता है बी स्टार फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट। सो वी कैन से स्टार इज कम्यूटेटिव। तो भी क्या कह सकते हो आप, स्टार क्या है कम्यूटेटिव। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है स्टार इज एसोसिएटिव। स्टार इज एसोसिएटिव
एसोसिएटिव के लिए तीन एलिमेंट कम से कम होने चाहिए, जिसका थर्ड पार्ट है अपने पास स्टार एसोसिएट। थ्री एलिमेंट लेटर ए बी सी बिलोंग्स टू सेट नेचुरल नंबर, लेकिन तीन एलिमेंट अपने पास। अच्छा आप ए स्टार बी स्टार सी फाइंड कीजिए। सबसे पहले इन दोनों का लेते हैं एलसीएम ऑफ ए एंड स्टार के साथ सी एज इट इज। अब देखिए इस दोनों का एलसीएम, उसके बाद सी, इन तीनों का एलसीएम हो गया आपके एलसीएम ऑफ ए एंड बी एंड सी। आप ए को तो आगे रख रहे हो खाली और स्टार लगा दे इसके लिए एलसीएम ऑफ बी एंड सी। ठीक है एलसीएम ऑफ बी एंड सी को क्या कहोगे, बी स्टार। एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी यही तो होती है ए स्टार बी एंड स्टार सी इज इक्वल टू ओ ए स्टार बी स्टार सी के, और ए बी सी बिलोंग टू सेट। तो भी अपन क्या कह सकते हैं स्टार इज एसोसिएटिव, एसोसिएटिव है। फिर किसी एग्जांपल भी देख लेते हैं। A is equal to 2, natural number. B is equal to 3, natural number. C is equal to 4, natural. अब आप निकालेंगे A star B star C. A star B का मतलब 2 star, 3 star. 2 star 3 को आप कैसे लिखते हो भी? LCM of 2 and 3. टू और थ्री का एलसीएम कितना होता है भाई? सिक्स। एज इट इज स्टार और आगे सिक्स एलसीएम ऑफ सिक्स एंड फोर। तो सिक्स और फोर का एलसीएम जो होता है वो होता है 12। ये तो अपने पास एन एच एस आएगा। अब देखते हैं अपने पास ए स्टार बी स्टार सी, टू स्टार थ्री स्टार, टू एच डी स्टार भी एच डी अंदर वाले स्टार को खोलोगे तो एल सी एम ऑफ थ्री एंड फोर। थ्री और फोर का एल सी एम कितना होगा? थ्री फोर का एल सी एम 12। अब टू स्टार 12 का मतलब एल सी एम ऑफ टू एंड 12। दोनों का एल सी एम कितना आएगा ऑफिस से? दोनों के दोनों क्या है? इक्वल है। सो ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू होता है ए स्टार बी स्टार सी। ठीक है तो ये कैसा गया है भाई अपने पास? एसोसिएटिव होगा स्टार। ठीक है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। LCM of A and E is equal to A.
ए और ए का एलसीएम क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू ए, ए से ए का एलसीएम हुआ क्या बचा आपके पास, ए इज इक्वल टू वन विच बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो हम क्या कह सकते हैं कि ए इज इक्वल टू वन इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट, ए इज इक्वल टू वन क्या होगा इसका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है इनवर्स एलिमेंट, इनवर्टेबिलिटी, इनवर्टेबिलिटी फाइंड करनी है इसकी, इसका मतलब इनवर्स एलिमेंट फाइंड करना, ठीक है। लेट बी बिलोंग टू सेट एन इज इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए, ए एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट है सच दैट कि ए स्टार बी अगर आप करते हो तो क्या आता है ई, हाँ ठीक है, ए स्टार बी, आप ए स्टार बी को आप क्या लिखते हो एलसीएम ऑफ ए एंड बी, आइडेंटिटी एलिमेंट ई की वैल्यू भी फाइंड की आपने कितनी वन। अच्छा एलसीएम ऑफ ए एंड बी, ए और बी का एलसीएम किस कंडीशन में आएगा, इफ ए इज इक्वल टू वन एंड बी इज इक्वल टू वन, यानी कोई एलिमेंट वन होगा तो उसका इनवर्स एलिमेंट क्या होगा वन होगा, किस कंडीशन के लिए एलसीएम ऑफ ए एंड बी के लिए, क्योंकि अगर आप कोई भी नंबर का एलसीएम निकालते हो तो वन कभी नहीं आएगा, जब वन और वन एलिमेंट होंगे तो उनका ही एलसीएम क्या आएगा वन आएगा, इसका मतलब इनवर्स एलिमेंट क्या हो गया इनवर्स ऑफ ए वन इज वन, कोई भी एलिमेंट ए का इनवर्स क्या होता है वन होता है, यानी वन एलिमेंट भी क्या होता चाहिए वन और उसका इनवर्स भी क्या होगा वन। तो ये इस क्वेश्चन के पांच पार्ट थे सिक्स क्वेश्चन के। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, इस क्वेश्चन में सारी चीजें पूछी हुई है आपसे, एसोसिएटिव भी और आइडेंटिटी एलिमेंट भी, कम्यूटेटिव भी और एक ऑपरेशन भी पूछा गया था फाइनली, इसकी वैल्यू फाइंड करो, इस तरीके से सारी चीजें पूछी गई है इस क्वेश्चन में। स्टार डिफाइन ऑन द सेट ए 1 2 3 4 5 बाय ए स्टार बी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज ए बाइनरी ऑपरेशन, आपको चेक करना है कि ए स्टार बी इज ए बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। एक आपको सेट दिया हुआ ए 1 2 3 4 इसमें 5 एलिमेंट्स हैं, एंड स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन इज डिफाइंड एज ए स्टार बी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी, ठीक है, ए और बी का एलसीएम है, आपको फाइंड करना है कि इज स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। तो भाई आप इस सेट से कोई भी दो एलिमेंट ले लो, ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन कब होता है इफ ए बिलोंग्स टू सेट ए बी बिलोंग्स टू सेट ए, सो ए स्टार बी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट ए, सो वी कैन से स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन, ऐसा पढ़ा था भैया आपने। देखते हैं ये जे जो है बाइनरी ऑपरेशन इस कंडीशन को फुलफिल करता है या नहीं करता। तो ए से आपने दो एलिमेंट लिए, ए इज इक्वल टू 2 ले लिया बिलोंग्स टू सेट ए, और बी इज इक्वल टू 5 ले लिया बिलोंग्स टू सेट ए, आपको फाइंड करना है ए स्टार बी दैट मींस 2 स्टार 5, अब 2 स्टार 5 क्या होता है एलसीएम ऑफ 2 and 5, और 2 और 5 का एलसीएम कितना होगा 10, 10 इज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, 10 जो है इस सेट में नहीं है, ये आपको बताया था ए बी इस सेट में होना चाहिए बी बी सेट में होना चाहिए, तो ए स्टार बी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट ए, सो स्टार इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन,
तो स्टार जो है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो ये अपन ने पढ़ा था बाइनरी ऑपरेशन के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम आगे के क्वेश्चन। थैंक यू गाइस।